उत्तरी सिक्किम का टोंग ब्रिज के ढहने के बाद भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई, जिससे उत्तरी सिक्किम की यात्रा में काफी देरी होने लगी। आप सभी को बता दें कि तिस्ता नदी में बाढ़ के कारण एक अस्थायी पुल ढहने के बाद निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तरी सिक्किम में वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। टोंग में क्षतिग्रस्त पुल के कारण टोंग नागा के रास्ते मंगन और चुमथांग के बीच यातायात रुक गया। संकलांग सैफो सिपगेयर के माध्यम से एकमात्र वैकल्पिक मार्ग संकीर्ण है और दो तरफा यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप भारी यातायात भीड़ होती है। इस संकीर्ण मार्ग पर वाहनों के आवागमन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मंगन जिले के जिला कलेक्टर सह मैजिस्ट्रेट SCS हेम कुमार छेत्री ने नेविगेशन के लिए मार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक वाहन चुमथांग और सैफो सिपगेयर होते हुए संकलांग की ओर चलेंगे। आखिरी नीचे जाने वाले वाहन के संकलांग पहुंचने के बाद पुलिस चुमथांग में अपने समक्षकों को सूचित करेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच वाहन सफो सिपगेयर होते हुए संकलांग से चुमथांग तक यात्रा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक वाहन चुमथांग से सैफो सिपगेयर होते हुए संकलांग की ओर चलेंगे। आखिरी नीचे जाने वाले वाहन के संकलांग पहुंचने के बाद संकलांग और चुमथांग में पुलिस के बीच संचार किया जाएगा। इसी तरह संकलांग से चुमथांग तक वाहन शाम के 4 बजे से 6:30 बजे के बीच यात्रा कर सकेंगे। आपातकालीन सेवा ड्यूटी पर लगे वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। ये प्रतिबंध तुरंत लागू किए जाएंगे और अगली सूचना तक यूं ही जारी रहेंगे।